दीजिए साहब हाजिर, आपकी फाइल मुकम्मल होगी। नासिर, मैंने तुमसे पास मसला कहा है कि दफ्तर में मेरी तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। यहाँ तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर। तुम्हें मेरी जब भी जरूरत हो तुम मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। नहीं बुलाते आगे कहो तो फिर मेरा इस्तीफा कबूल कर लो। अरे चल रहे कुर्सी पे, बड़ा है नौकर कहीं का। तो ये क्यों भूल जाता है कि बचपन की दोस्ती बुढ़ापे तक बेतकल्लुफ हुआ करती और फिर लंगोटी जाकर तो दर्द ही बहुत बड़ा होता है। तो अच्छा लंगोटी साहब फरमाइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो कोई खास नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि कल सब रात की छुट्टी मेरे साथ ही गुजारोगे ना? नहीं जनाब, मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी छुट्टी का दिन आप जैसे खुश्क आदमी के साथ जाया करूँ। कल तो दिन भर में अपने जाने तमन्ना से सलामो प्याम का रिश्ता जोड़ूंगा। यार मेरा ख्याल है कि तुम्हारी जाने तमन्ना कोई ख्याली महबूबा है जिसकी तारीफें तो बहुत करते हो मगर नाम पता नहीं बताते। नाम पता बताने की इजाजत नहीं प्यारी, उसने मोहब्बत की कसम देकर मेरे होंठ की रखी है, बदनामी से डरती है। अरे क्यों अपने आप को फरेब देता है, आजकल की लड़कियां तो एटम बम से भी नहीं डरती और तू बदनामी की बात कर रहा है। अच्छा यार उड़ा लो मजा, खुदा करे तुम्हें भी किसी से इश्क हो जाए फिर मैं तुमसे पूछूं। तौबा करो मैं ऐसा रोग नहीं पालता, ये इश्क सब बकवास है। मुझे तो जिस दिन की लड़की पसंद आ गई उसी दिन अम्मी से कह के शादी करा दूंगी। क्या समझ? तुम्हारी बातें भी कोई नहीं समझ सकता। अच्छा बेटा मीर, कल शाम को शबे बरात का हलवा लेकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब मैं जाता हूँ, अम्मी ने फोन किया था कि जरा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ जल्दी जल्दी जाओ, हो सकता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए कोई और नई लड़की तलाश कर ली, वो तुम्हारे लिए है लड़कियां तलाश करती रहेंगी और ना इनकार करती रहेंगी और ये सिलसिला यही जारी रहेगी। मुझे यकीन है मेरे नासिर को ये लड़की जरूर पसंद आएगी। नाक नक्शा दुरुस्त है, रंग कैसा है दीदी? हल्का येलो बेगम साहिबा। तुम चुप रहो, तुम बताओ दीदी, रंग तो बिल्कुल बेगम साहिबा मेरे जैसा है, बिल्कुल गोरा चिट्टा। तुम्हारे जैसा गोरा चिट्टा है? अरे हाँ। बेगम साहिबा मुझे उम्मीद है कि नासिर साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। शर्मीले शर्मा गए बेगम साहिबा, यूं ही जरा तस्वीर का मुआयना कर रहा हूँ, जहाँ तक नक्शे का ताल्लुक है अच्छा है, नाक जरा मोटी है बिल्कुल बिजली जैसी, यूं लगता है कि लड़की अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। अरे ओ भान के बच्चे। जी माई बाप। कभी तो मुँह से अच्छी बात निकाला कर। बेगम साहिबा मैं मुँह से अच्छी बात निकाल रहा हूँ, कोई आपको नहीं निकाल रहा। बको मत। जी अच्छा, बस अल्लाह करे मेरे नासिर को पसंद आ जाए ये लड़की। जी सब जिनके इंतजार वो शाहकार आ गए और शायद साथ लेकर कार आ गए। बिजली तुम दोनों जाओ, मुझे तन्हाई में नासिर से कुछ बातें करनी है। जी अच्छा। बेगम साहिबा जाओ यहाँ। जी अच्छा, आओ बिजली चले। मेरी डीसी बिजली जरा इधर तो आओ। अरे मैं तो तेरी बिजली, मगर तू मेरा क्या लगता है? मैं तेरा गरीब सा पावर हाउस हूँ, यानी कि होने वाला सरताज। मेरी भी जलिया यूं तो साथ वाली कोठी में मुलाजमत करती है, लेकिन तुझे देखने के लिए आठ आठ दिन गुजर जाते हैं, बीसों तेरी कोठी के चक्कर लगाता हूँ और जब गिनता हूँ तो एक निकलता है, और फिर उसके बाद तेरे बाप से मुझे बहुत डर लगता है। काला रंग, लंबी मूछे, ये तोंद, हाथ में थौड़ा, मुझे तो यूं लगता है को निजाम लोहार के खानदान का बुझा हुआ चश्मा चराग है। तू हमारे घर परसों आना, उस दिन मेरा बाप फौत हो जाएगा। अरे नहीं, वो बराबर वाले गांव जा रहा है और मैं घर में अकेली रहूंगी। ईमान से? हाँ सच सच। देखे किधर मरवा ना गई। क्या बात है निजा ने आपने फोन किया था? अपने पड़ोसी मिर्जा साहब है ना, उनकी बेगम ने अपनी भांजी की ये तस्वीर भेजी, मुझे तो पसंद है, तुम भी इसी तरह देख लो। तोबा तोबा क्या वाहियात तस्वीर है। अमी जाना आपको क्या हो गया है, जरा देखिए किस बेबाकी से हंस रही है और आंखों में हया का नामो निशान नहीं। ये जरा कटी हुई जुल्फें मुलाहिज़ा फरमाइए, मुझे तो ऐसी लड़की हरगिज़ पसंद नहीं। तो फिर कैसी लड़की पसंद आएगी तुझे? बीस लड़कियां दिखा चुकी हूँ पर तुझे की लड़की पसंद ही नहीं आती।
खफा ना होइए अम्मी जान, जरा सोचिए मियां बीवी का रिश्ता वो मजाक है जो। बस ठीक है, अब तू खुद ही कोई लड़की पसंद करेगा तो मैं तेरी शादी करूंगी। शर्मीले तू कहाँ चली बिजली गिरने के लिए? मालिक ने मुझे आवाज दी है, तू यहीं खड़ी रहेगी और 8 घंटा मेरा इंतजार करेगी। जी शर्मा जी, ये ले तस्वीर। पासपोर्ट साइज की कितनी कॉपी करवा लो? बकवास बंद कर, ये तस्वीर बिजली को देना और उससे कहना कि अपने मालिकों को ये ना बताए कि नासिर ने पसंद नहीं। जी बेहतर। और ये भी कह देना कि मैं खुद बात करूँ। जी अच्छा। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, तुम आ गए बेटे? लीजिए मैं शिवराज का सारा सामान ले आया, सूजी बादाम किशमिश और जो कुछ आपने कहा। मैं अभी अभी आई हूँ बेटे, बेचारे रहीमन का बच्चा बीमार था उसकी खबर तो गई। हाँ अम्मी, सारे मोहल्ले की खबर था तो आपकी पुरानी आदत है। देखिए मैं क्या लेके आया हूँ, देखिए देखिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, बस हार की तो सब थी और वो भी पूरी हो गई। अब तो जल्दी से मुझे उस लड़की का नाम बता दे ताकि मैं उनके घर रिश्ता मांगने चली जाऊँ। नाम बताने का भी वक्त नहीं आया, ना तो विजिट कर रहा था, मगर जब तक वो मुझे इजाजत नहीं देगी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। खुदा की कसम मम्मी, जब उसका चांद का मुखड़ा देखोगी तो दिल थाम कर रह जाओगी। अब लाते ही आओ संगा बहन, आधा खड़ा जी देर में। देखो सईदा बहन, कमीर अपनी होने वाली दुल्हन के लिए हार लाया है, थोड़ा थोड़ा करके इसने सारा जेवर बनवा लिया है। सारा जेवर दिखाओ ना अम्मी। अरे बेटे मैंने सारा जेवर दिखा दिया है। देखा खाना कितना प्यारा हार है, जब मेरी दुल्हन ये हार अपने गले में पहनेगी तो यूं महसूस होगा जैसे उसके गले में चांद का हाला चमका रहा। कमीर बेटे जेवर तो बनवा लिए है, अब उस लड़की का नाम भी बता दो। खाना उस लड़की ने मुझे अपना नाम बताने की इजाजत नहीं। समझदार मालूम होती है, ऐसी वैसी खूबसूरत भी जरूर होगी, बेहद खूबसूरत। यूं समझ लीजिए खाला जान कि उसका चांद का मुखड़ा अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। मैं तो उसे देख कर कहा करता हूँ, तुमसे जहाँ मैं लाख रही तुम मगर कहा। देर हो रही है, चलो बहन तुम भी हमारे साथ शीर जी के मजार पर चलो। हाँ अम्मी, हम भी बराबर जाएंगे, मैं भी एक वहाँ दुआ मांग। चलो बहन। क्या मुसीबत आ पड़ी? हुजूर जरा खिड़की तो खोलिए। खिड़की नहीं खुलेगी, जो कहना है फोन पर कहो ना। जब तक तुम्हारा चेहरा सामने नहीं आएगा मेरे होंठों पर दिल की बात नहीं आएगी। तो क्या जनाब की बात तुम मेरी देवी पर लिखी है? हाँ देवी, तुम्हारे माथे पर मेरी मोहब्बत की तकदीर लिखी हुई है। जल्दी खिड़की खोलो वरना मैं गली में छलांग लगा दूंगा। मामी मामा, टांग टूट जाएगी मिस्टर टार्सन, ये करतब ना दिखाना। हाय बेबी, बड़ी संगदिल हो, बड़ी जिद्दी हो, बड़ी प्यारी हो, और कहां तक तारीफ करूं। प्लीज खिड़की खोल दो। अच्छा बाबा खिड़की खोलती, रोती क्यों है? लो कैच करो, हाथ पेशे खिदमत है। गजब हो गया, अगर अब्बा जान ने खत पढ़ लिया तो? अपने नाम थोड़ी लिखा है।
नहीं बेटी, देखो हम शिवरात्रि की खुशी में तुम्हारे लिए चल आए। हाँ, घर में जो भी कोई चीज आती है बेटी की है, कभी शॉल, कभी कपड़े, कभी जूते। अरे जल्दी क्यों हो भागवाल, बेटी के लिए तो मैं एक चीज इसलिए लाता रहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसका जहर बन जाएगा। ये तो ठीक है, सुना है तुमने तंदीर की अम्मी ने सारा जेवर बनवा लिया है अपनी बहू के लिए। अच्छा, हाँ। तो क्या कोई रिश्ता मिल गया उन्हें? सुना है तंदीर ने किसी लड़की को पसंद कर रखा है, लेकिन नाम नहीं बताता। जनाब ये तो आज की घर से आया है, ये खाइए, ये हमारे घर का है, ये तो मैं खाऊंगा, ये खालाजान सिर्फ मेरे लिए लेकर आई। अच्छा, ये रहा हमारे घर का और ये रहा आपके घर का। उसके घर का कहाँ है? अरे किसके घर का? अरे जिसका नाम ना बताने की तूने कसम खाई है। अच्छा, उसके घर का? वो हलवा तो मैं खुद ही खा गया हूँ, जानती हूँ वो हलवा खुद मेरे लिए लेकर आई थी। खुद लेकर आई थी? तो फिर बन गया काम, तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं अभी खाला जान से नीचे जाकर पूछता हूँ कि वो लड़की कौन थी जो हलवा लेकर आई थी। खुदा के लिए ऐसा ना करना, गलत हो जाएगा। तुमने उसका नाम पूछा तो बदनाम हो जाएगी। तो मेरी कसम, देखो मैं तुम्हें उसका सारा खत पढ़वाता हूँ। अच्छा, क्या लिखा है? प्यारे तनवीर, तुम्हारे लिए अगर जान पर भी खेलना पड़ा तो खेल जाऊंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे बदनाम न करना, मैं बदनामी से बहुत डरती हूँ। माँ बाप की इज्जत एक मशरकी लड़की का सबसे कीमती सरमाया होती है। तुमने मोहब्बत की कसम खाई है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी लाज रखोगे। फकत तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। अरे नाम तो कहीं नहीं लिखा, यह जरूर को ख्याली महबूबा है जिसकी तरफ से तू खुद ही अपने नाम चिट्ठियां लिख लेता है। महबूबा, हैंड राइटिंग तो देखो। अरे मियां, तुम्हारी और मेरी दोस्ती की तरह उसकी और मेरी मोहब्बत एक जिंदा हकीकत है। गले में घी जमकर रह गया है, काफी नहीं होता। होगा भी नहीं। तो क्या कहा? लौंडिया के हलवे बनस्पति घी होगा? बनस्पति तनवीर बेटा, चल चलो मैंने ये भी तो मुसीबत है बहन, उस लड़की का नाम पता कुछ भी तो नहीं बताता, कहता है अभी वक्त नहीं आया। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नासिर को देख ली, दीसरी लड़की दिखाई, एक ही पसंद नहीं। अम्मी जान ने खाला जान से मेरी शादी का जिक्र कर रखा। खाला जान, आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कीजिए, मुमकिन है आपकी निगाहें मेरे लिए कोई हीरा तलाश कर। क्यों नहीं बेटे, मैं तो तुम दोनों को अपनी आंख का तारा समझती हूँ। अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रखे। खाला जान, लेकिन ये मुझे बहुत सताता है, बात बात से इस्तीफा लिख के दे देता है। इस्तीफा क्यों ना दूं अम्मी? ये दफ्तर में मुझे मुलाजम नहीं दोस्त समझता है, लेकिन मैं कसूर के खिलाफ। अब चल सुन का बच्चा। बहुत मसरूफ थे कि नासर अपनी अम्मी के साथ आया हुआ था, उससे जरा गपशप हो रही थी। अच्छा, दोस्त को देखकर होना भी भूल गए? तुझे भुलाना मेरे पास नहीं है। नासर से भी तुम्हारी ही बातें हो रही थी, तो वो मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। आज उसने बहुत जिद की तो मैं उसे तुम्हारा नाम बता दूं। फिर तंग आकर बताना ही पड़ा। हाय, हेलो 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 हेलो, क्या है? खबरदार जान रहा, मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं तो मजाक कर रहा था बेबी, भला मैं तुम्हारा नाम जुबान पे ला सकता हूँ? आखिर मैंने मोहब्बत की कसम खा रखी है। शरीफ कभी मेरी तो पहले तरह से जमीन ही निकल गई। आइंदे ऐसा मजाक नहीं करूंगा। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा। मैं खंडर में पहुंचता हूँ, तुम भी आओ। नहीं जनाब, मैं नहीं आऊंगी।
जानते हो घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। तुमने मेरी कसम दे दी। अपनी कसम देकर मजबूर ना किया करो तनवीर। अच्छा कोई बहाना बनाकर आऊंगी। थैंक यू थैंक यू। जलिया दरवाजा खोल मुंह से कुछ ना बोल।
अरे पागल की बच्ची दरवाजा खोल, देख तेरा शर्मीला आया है। दरवाजा तो खुला हो, मैं यूं ही भाग रहा था। अरे बिजली, ये सारे घर में ब्लैक आउट करके तू कहां चमक रही है? मेरी प्यारी बिजली, चला गया तेरा जालिम बाप, खुदा उसको वारिस करे। अरे ये क्या कर रहे हो? ये मेरा नया कोट है, बहुत अच्छा पीस है। मुझे यूं गुस्से से ना देख, वरना मेरे दिल का फ्यूज उड़ जाएगा फक से, और तेरा भी दिल रह जाएगा धक से। तू यहाँ क्या लेने आया है? तेरे मरे हुए बाप का मुंह देखने आया हूँ, उसको दफनाने आया हूँ, बस यूं समझ लिया कि बिजली का झटका खाने आया हूँ। क्या हुआ? हाँ हाँ, झटका खाने आया हूँ, खुदा के लिए एक झटका दे दे, वरना मैं शिवराज का बासी हलवा खा के मर जाऊंगा। मैंने सुना है कि बिजली के एक झटके से मुर्दा दिल में जान पड़ जाती है। मेरी प्यारी बिजली, झटका दे दे। मैं तुझे झटका देता हूँ, मारो, खूब मारो, मेरा झटका कर दो, बाप बेटी मिलकर मारो, ताकि दुनिया में आज को कोई इज्जत हासिल हो जाए। बच्चे ये क्या? ये सौ सुनार की नहीं, एक लुहार की। तो ले फिर। ये जुलम ना करना, ये सौ सुनार की सहलेगा मगर एक लुहार की नहीं कह सकेगा। अच्छा, तो मैं फिर इसका कोई और इलाज करता हूँ। लुकमान हकीम, तुम्हारा क्या लगता है? मैं तुझे दरिया में फेंक करूंगा। चाचा, मुझे दरिया में क्यों डुबोता है? मेरे लिए एक गिलास ठंडे पानी का लिया, मैं उसमें डूब कर मर जाऊंगा। अरे बेशरम, तेरे डूबने के लिए तो दरिया का पानी भी कम है। चल इस बोरी में। बोरी में? मैं तो गंदम की औलाद हूँ। मैं कहता हूँ चल इस बोरी में। अच्छा तो पकड़ू भाड़ा। अच्छा चाचा, आराम से पहना दूँ। कहा है कि मेरे घर मत आया कर। ये मुझे गुलाब क्यों पहना रहे हो? क्या बात है? मैं तो मैं भी बताता हूँ, सिर्फ दो मिनट है तो। चाचा खुदा के लिए आहिस्ता, मेरा सूट खराब हो रहा है, मेरा फर्ज, मेरा फर्ज देखो चाचा। चाचा खुदा के लिए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, देखो चाचा क्या कर रहे हो? देखो मेरे फिफड़े खराब हो गए बस, यहाँ रख दो चाचा। कहाँ तो मैं नहर के इतने गहरे पानी में गर्क करूंगा कि तो क्या तक न निकल सके। ऐसा मत करना खुदा के लिए, हम चले दूर, हम चले दूर चचा। शर्मीले बोल रंगीले, चुप करता कि नहीं, बकवास बंद कर। बचा, मुझे सांप ने काट लिया है। चचा तुम्हें कोई लेडी मदद के लिए पुकार रही है, आराम से आराम से। का बच्चा बना दिया। कहाँ जा रहे हो चचा? जाओ खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, बोरे के बच्चे जा, खुदा के लिए खुल जा। मैं शर्मीला हूँ, ये फुटबॉल का बच्चा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है? शाम किधर गया? इधर गया है, यहाँ काटा है सांप ने। हेलो मर गए। हेलो शरद भाई, ठीक हो? जाने वाले रे, बोरी से मुझको निकालो, जाने वाले। अरे जो अल्लाह का प्यारा, जो मुझे इस बोरी में से निकाले, मेरा दिल मतला रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। है जो अल्लाह का प्यारा, जो मुझको बाहर निकाले, गर्मी से दम घुटा जा रहा है। कौन है तू? मैं कुछ चुड़ैल का बच्चा नहीं हूँ, इंसान का बच्चा हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। शाबाश, वाह 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 वाह, इस सुराख में से मुझे हवा लगी है। थैंक्स गॉड, फ्रीडम यानी कि आजादी भी कितनी अच्छी चीज है। वाह वाह, हवा चल रही है, चिड़िया चहक रही हैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों टहल रहे हो? तो ये बता दो, जिस बोरी में बंद किसने किया था? हाँ याद आया, ये मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। मेरा जालिम बाप मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहता है, वो मुझे इस बोरी में बंद करके मेरे ससुराल लिए जा रहा था, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि शादी कर सकूं। हो
लेकिन दरिया के उस पार एक खूबसूरत लड़की घूंघट निकाले मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। यार तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर रहा है। और एक मैं बदनसीब हूं कि मेरा बाप मेरी शादी तो क्या मंगनी तक करने को तैयार नहीं। मेरे नन्हे मुन्ने ठिंगने गडरिए दुखी मालूम होता है। तुमसे ज्यादा नहीं। मेरा क्या पूछता है, मेरी माँ दुखी, मेरा बाप दुखी, दुखी वालदैन का दुखी बच्चा हूं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे दुख बटाऊंगा, तुझे तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा, तेरी शादी करवाऊंगा। लेकिन तू इस बोरी में आ जा। सच भैया? हाँ हाँ, जल्दी से मुझे इस बोरी में बंद कर। हाँ, ऊपर पहन ले, बुरकी की तरह पहन ले। शाबाश, पहन ले ना भैया। हाँ, इसमें तो गर्मी लग रही है। ये एयर कंडीशन बोरी है मेरे बच्चे, वो वहां पर होगी ना। हाँ हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। शाबाश। गेट अप लेजी गॉड, गेट अप, रन अवे, शाबाश, दौड़ो दौड़ो। अगर तुम्हारा मालिक आ गया तो हम मारा जाएगा। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो, डोंट स्लीप। हे लेजी गॉड, तुम क्यों सुत पड़ा है? चलो तो उठो उठो। ले बेटा पानी के हवाले। मेरी प्याली बकली, मुझे थोड़ा दूध पिला दे। तेरी और बहनों ने भी मुझे दूध, मुझे थोड़ा दूध पिला दे मेरी माँ। अच्छा शाबाश, प्याली बकली पिला दे ना, जितना करो बकली। तू? हाँ चाचा, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। आ तू भी दूध पी, तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। ना तू मुझे नहर में डालता, ना मुझे बकरियां मिलती और ना मैं दूध पीता। देख चाचा, मैं तेरे पांव को हाथ लगाता हूँ, एक बार फिर मुझे नहर में फेंक दे, मैं बहुत सारी बकरियां ले आऊं ताकि मैं लखपति बन सकूं। बाप बेटा बाप, मेरे होते हुए तू लखपति नहीं बन सकता। मैं खुद जाऊंगा और बहुत सी बकरियां लाऊंगा। माँ मुझे पानी में गर्क होना पड़े। ओ चाचा, मेरी बात तो सुनो चाचा। रुक जा चाचा, बकरियां मेरी है, खुदा के लिए रुक जा चाचा, बकरियां मेरी है। बकरियां मेरी है, मैं लखपति बनूंगा। तेरा खाना खराब चाचा, ये मेरी है, बकरियां मेरी है, बकरियां मैं लूंगा। चाचा मत जाओ, वो बकरियां मेरी है, तुझे बाहरी बकरा समझ के चल जाएगी। मैं जाओ चाचा, मेरी बात तो सुनो। चल चल, छह मुंह और बकुर की दाल, बकरियां मैं लूंगा। बकरियां कहाँ है? और तेरा बड़ा गर्क हो जाए चाचा, जरा और गहरे पानी में जाओ, बकरियां मिल जाएंगी। बकरियां कहाँ है? आज चाचा तू तो डूब गया है, अब मैं तेरी इतनी बच्ची से शादी करूंगा। हाँ हाँ, शादी करूंगा। तनवीर, राज्य से ब्रांच मैनेजर का फोन आया है कि वहाँ के मजदूर हड़ताल की धमकियां दे रहे हैं और मामला उसके बस से बाहर हो चला। मेरा ख्याल है कि चंद दिनों के लिए तुम ढाके चले जाओ। जी, क्या फरमाया? मैं ढाके चले जाऊँ? और कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर मैं एतमाद कर सकूँ। तो फिर मुझे भी नाकाबिले एतमाद समझ लीजिए, मैं ढाके नहीं जाऊँगा। तेरे दिमाग का कोई पेज तो ढीला नहीं हो गया? तू तो कहा करता था मुझे ढाके जाने का बहुत शौक है। वो जमाना और था, सख्त मोहब्बत के रिश्ते से आजाद था। अब तो मैं चारों तरफ से मोहब्बत के रिश्ते में देखा हुआ। देख, सीधी तरह से मुझे उसका नाम पता बता दे ताकि मैं तेरी उससे शादी कर दूं। ये रोज रोज की छिक-छिक खत्म है। हाय हाय, ये छिक-छिक तो मरकरी खत्म हो गई यार। तो फिर चुपचाप कल ढाके जाने की तैयारी कर ले। अगर मैं ना जाऊं तो फिर मैं ढाके का ऑफिस बंद किए देता हूँ। मेरी वजह से? और किसकी वजह से? अगर तुम ढाके चले जाते तो सारा मामला हल करा दे, मेरी इनकम टैक्स की तारीख ना होती तो मैं खुद चला जाता। अच्छा यार, मैं ही चला जाऊंगा।
और उसे बता जाऊंगा कि मैं दो हफ्ते की जुदाई कोई बड़ी बात नहीं। इतनी जुदाई तो लेना मजनू ने भी बर्दाश्त कर ली थी। देखो अगर मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बल्कि यहां से भी चला जाऊंगा। अच्छा बाबा नहीं उड़ाता मजाक, तू तो मेरा यार है, है? कहने को तू दो टन मुझसे छोटा है लेकिन लटका बड़ा है जी। जरा आईने में से अपने चेहरे की झुरिया तो देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन। क्या बात है बेटा, आज दफ्तर से इतनी जल्दी क्यों आ रहे? वो नासर ने मुसीबत जो डाल दी है। कैसी मुसीबत? और मुझे कह रहा है चंदनों के लिए ढाके चले जाओ, बोला ये कैसे हो सकता है? अजीब लगता है, पहले नासर से इसी बात पर लड़ा करता था कि मुझे ढाके क्यों नहीं भेजता, अब वो भेज रहा है तो ये नखरे दिखा रहा है। हेलो, फरमाइए। ओहो बड़ी जल्दी में हो, क्या बात? अब्बा और अम्मी के साथ शादी पे जा रही हूँ। कहीं जाने से पहले मुझसे जरा मिल लो, एक जरूरी बात करनी है। लेकिन भैया अम्मी आ रही है। बेटी तुम्हारे अब्बा कहते हैं कि तुम्हारा उस घर में जाना ठीक नहीं। हाँ बेटी, शादी का हंगामा है और पर्दे का इंतजाम भी उस घर में ठीक नहीं। हमारी वापसी तक तुम तनवीर की अम्मी के पास रहना है, जैसे आपकी मर्जी। क्या मुसीबत है, एक तो मोहब्बत करने वाली लड़कों के माँ बाप नाक में दम कर देते हैं, अब उसे शादी में लेकर जाए। सलाम खाला जान। जीती रहो बेटी, बहन हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, हमारी वापसी तक वे भी आपके पास रहेगी। ठीक है बहन, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बैठो बेटी बैठो। तौबा तौबा, न जाने ऊपर बैठे बैठे मेरा दिल तो घबराने लगा था, नीचे उतरा हूँ तो तबीयत कुछ संभली। अल्लाह तुझे हर बला से बचाए मेरे बच्चे। अल्लाह मियाँ का भी दीवार नहीं अम्मी, एक खिड़की बंद हुई तो दूसरा दरवाजा खोल दिया। अरे कैसी खिड़की कैसा दरवाजा? तुम नहीं समझोगी अम्मी, है वैसे मुझे एक दोस्त का ख्याल आ गया था। अरे क्या हुआ, यहाँ कहाँ बैठ रहा है? ले काम का ये कपड़ा हजन भी को दिया, उससे कहना ये भी सी दे और जो कपड़े सिल गए हैं वो लेते आना। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी, अपनी दुल्हन के कपड़े मैं खुद अजीम भी के पास लेकर जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही दे आइए ना। अच्छा मैं खुद ही दे आऊँ, बच्ची को अकेली छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। बच्ची इस गठड़ी में क्या रखा है? कौन सी गठड़ी? ये क्या रखी है? अरे लड़के तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये तो अपनी जेबी है। जेबी? कौन जेबी? अरे मस्खरे अपने मुंशी जी की बेटी जेबी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपनी देवी देवी। अच्छा तू ऊपर जा, लड़की को खुल कर बैठने दे। जाता हूँ मम्मी, मैंने कोई इसे बांध तो नहीं रखा। अम्मी क्या है? अम्मी वो तंग गली वाले अमीरुद्दीन की बीवी परसों छत पर से गिर पड़ी थी, उसका बेटा मिला था, कह रहा था तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी को पूछने तक नहीं आई। अरे कल शाम को तो मैं 2 घंटे उसके पास बैठ के आई हूँ। अच्छा अच्छा, उसने कल सुबह कहा था? अम्मी वो बुंदू जला है ना जिसका नुक्कड़ पर छोटा सा घर है, उसके बड़े लड़के को कल बड़ा सख्त बुखार था। हाँ बेटा बुखार का तो आजकल कुछ मौसम ही चला हुआ है। जी हाँ जी हाँ। और हाँ अम्मी वो याद आया, वो है ना शेर दूध वाला है, कल उसकी बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं। तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है, बकरी तो 4-4 बच्चे भी देती है। हाँ ये तो ठीक है अम्मी, लेकिन उसकी बकरी का एक बच्चा पैदा होते ही बीमार हो गया। मगर तुझे आज क्या हो गया है, कभी जिलाहे का बेटा कभी शेरों की बकरी के बच्चे याद आ रहे हैं? है यूँ ही अम्मी, है मैंने सोचा आपको बता दूँ। अच्छा अम्मी है मैं ऊपर जाता हूँ। जा बेटा शाबाश। बुरका उतार के बेटी खुल कर बैठ। या अल्लाह इस रक्त मोहल्ले के किसी घर में मेरी माँ की शदीद जरूरत पैदा कर दे, उसे कहीं भिजवा दे ताकि मैं देवी से बातें कर सकूं।
अम्मी क्या हुआ? वो कृषि साहब है ना, कृषि साहब कौन से? वो रिटायर्ड हेडमास्टर। क्या हुआ उनको? उनकी भैंस का कट्टा मर गया है। कट्टा मर गया है तो मैं क्या करूं? और मैंने सोचा आपको इतना कर दूं, शायद आप उसकी सूरत देखने जाए। मैं सूरत देख आई हूँ, तू जाके उसके जनाजे की नमाज पढ़ा। ये बात भी खाली गया। बड़ा शरीफ है, मुझे सता रहा है। अम्मी अब क्या हुआ? अम्मी नासर को समझाइए वो मुझे ढाके ना भेजे। क्यों? आपको अकेला छोड़ने को जी नहीं चाहता। कोई बात नहीं बेटा, इसी बहाने ढाके की सैर भी कराओगे। कल ढाके जा रहा हूँ ना, अकेला छोड़ कर जाना नहीं चाहता। ढाका? हाँ बेटी, दफ्तर का कुछ काम है। हाय हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? अभी तो अच्छा भला था। दिल में दर्द हो रहा है, मर जाऊंगा। वो मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। डॉक्टर? और डॉक्टर से कुछ नहीं होगा माँ। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। मैंने पीर जी के मजार पर मन्नत मानी थी कि जब मेरी दुल्हन का जेवर तैयार हो जाएगा मैं 5 रुपए की न्याय दूंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटे? तुमने अभी मन्नत चढ़ा कर ख्याल रखना। क्या हुआ है तन्वी? होश में आओ ना। होश में आ गई। अच्छा तो ये सब मकर था, बड़े चालाक। मैं क्या कर सकती थी, मेरा तो धन घुटा जा रहा था। मैंने सोच लिया था अगर मीना भी तो आज उनके सामने ही सारी बातें कह दूंगा। अगर तुम ऐसा करती तो मैं सारी उम्र तुम्हारी सूरत भी ना देखती। गाने मन अपनों से ऐसी बेरुखी अच्छी नहीं। हर गाने मन अपनों से ऐसी बेरुखी अच्छी नहीं, बेरुखी अच्छी नहीं। Oh, my God.
अच्छा मैं अम्मी को तो रोज ही खत लिखूंगा, तो वो तुम्हें से पढ़वाएंगी और जवाब भी फिर ये कि मैं अपने दिल का हाल अम्मी के खत में इस अंदाज से लिखा करूंगा कि तुम आसानी से समझ जाया करोगी और तुम जवाब में जो कुछ लिखोगी मैं समझ जाया करूंगा। भाई देखो ना आखिर हम दोनों समझदार बच्चे हैं ना, समझी जल्दी आना तुम्हें। देखी मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इस गली में से मेरी बारात गुजरेगी, तुम सिमट कर डोली में बैठोगी, झूठ मूठ के आंसू बहाओगी और फिर जब मुझे तुम्हारे कमरे में ढकेल दिया जाएगा तो मैं तुम्हारा घूंघट उठाकर कहूंगा देखी खुदा के लिए अपने रुखे बेबा की एक झलकी दिखा दो। तुम शर्मा कर कहोगी हुई अल्लाह, मैं मुर्रा कर कहूंगा चलो हाँ। कहां से सीखी है ये बातें? हाय 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 हाय। अब क्या हाल है मेरे बच्चे का? तन्वी मैं तुम्हारी मन्नत चढ़ा रही हूँ मेरे बेटे। मैं ठीक हो गया मम्मी, मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी का नरम नरम हाथ मेरे दिल पर आया है और उसने मेरे दिल को थपकियां देनी शुरू कर दी है। मैं ठीक हो गया हूँ मम्मी। तीन जी का हाथ होगा बेटे, वो बड़े करामत वाले बुजुर्ग हैं। ठीक है मम्मी, बड़ा ही नरम नरम हाथ था। ले बेटी इसमें खालिस शहद, इसे संभाल कर किसी ऊंची जगह पर रखे ना। और सुन ये खालिस शहद तेरा चाचा लाया है और उसके साथ उसका बेटा खैरू भी है, वो दोनों दुकान पर बैठे हैं, जरा हांडी रोटी का अच्छा सा इंतजाम कर लेना। हाँ। और सुन तेरा चाचा तेरे रिश्ते की बात करने आया जरा जरा खैरू से तमीज से बात करना मिले तुम बिजली। मैं तेरे कुत्ते बाप की सारी बातें सुन चुका हूं, शायद तू नहीं जानती कि मैं जितना शर्मीला हूं उतना ही गर्मीला हूं और जात का गुरीला हूं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं शेर का बच्चा बन जाता हूं, कोई गधे का बच्चा नहीं। अगर तेरे चाचा ने तुझे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी हड्डी से चबा जाऊंगा। बस बस मेरे बब्बर, शेर ज्यादा भागने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे अब्बा ने मेरे चाचा को जुबान दे दी तो हमारा क्या होगा? मैं उस बदजबान की जबान खींच लूंगा और उसे हमेशा के लिए बेजबान कर दूंगा। बिजली मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तेरे बाप को किसी तख्त के नीचे कुचल डाले। खबरदार जी मेरे बाप को बदवा दे तो और क्या उसे कर्ज दूं? बिजली दरवाजा खोल। ये कौन है? मेरे चाचा का बेटा। तो उस मामू के बेटे को कहीं छुपाओ। तो अंदर जाकर छुप जा, मैं उसे बातों में लगाकर भगा देती हूँ। कहीं खुद ना भाग जाना। नहीं नहीं। तू किससे बातें कर रही थी? मैं तो बस अपने आप से बातें कर रही थी, घर में अकेली जो हूँ। ये तो अच्छा हुआ। देख मैं तू अब कोई गैसा नहीं ना, आज मैं तुझसे दिल खोल के बातें करूंगा। हाँ? मैं भी हर वक्त तेरे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। के ख्यालों में? मेरा ख्याल कौन करेगा? मेरे होने वाले बच्चों का ख्याल कौन करेगा? ये क्या गड़बड़ हो रही है ख्यालों में? अच्छा ये बात है। ये कहाँ गया? अंदर कौन है? कुछ चूहा होगा। चूहा? फिर तो मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं खुद अंदर जाकर देखती हूँ। क्या कर लिया तूने?
सहज ने मुझे शीरी बना दिया है, मेरा जिस्म गज्जक बनता जा रहा है। अच्छा अब फिरूज से घेर में छुप जा, जल्दी कर खुदा के लिए तुझे आ जाएगा। अच्छा। कुछ भी नहीं, ना चूहा ना बिल्ली ना रीछ वगैरह कुछ भी नहीं था। और कुछ ना कुछ जरूर होगा, मैं भी बिजली जला के देखता हूँ। खबरदार बिजली मत जलाना, वरना हो जाएगा एक आंख से काना और बंद हो जाएगा यहाँ आना जाना। कौन हो तू? अबे अंधे के बच्चे पहचानता नहीं है, मैं जिन का कमारा बच्चा हूँ। तुम्हारे भाई क्या ले आए? खबरदार मुझसे ऐसा सवाल मत करना। या खैरू तू जाकर किसी मौजी का इंतजाम कर, तू जल्दी जा। जल्दी चला जा वरना तेरी शामत आ जाएगी। ठीक है, अब मैं सीधा पेंजे के यहाँ जाऊंगा और अपना लिहाफ बनवाऊंगा। मेरी जान अब कब आऊँ? अच्छा फिर कभी बताऊंगी, जल्दी जा। अच्छा चला जा, मिठास से मेरे कदम नहीं उठते। खैरू मैं मौली साहब को बुलाकर लाती हूँ, तू अंदर जा। तौबा तौबा, ऐसा सफेद जिन ब्लगी ने पहली बार देखा है। कहाँ है वो जिन? जवान मालूम होते हो। हाँ जी। ये मेरे मंगेतर हैं। आपको मगर वो जिन कहाँ गया? कई गायब हो गया, कोई जबरदस्त दिन था। पांच रुपए निकालो, मैं शाम को ताबीज भेज दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। खुदा के लिए जल्दी वापस आना। अरे तुमने तो रोना शुरू कर दिया दीदी, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। जल्दी से खिड़की खोलो, जब तक तुम मुझे मुस्कुराकर उत्सुक नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। अभी आना, प्लेन का वक्त हो गया, अभी आया। अच्छा खुदा प्यारे नासिर, मैंने यहाँ पहुँचते ही हालात का जायजा ले लिया है। मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी अभी एक खत अम्मी जान को भी लिखा है, तुम उनकी खैरियत पूछने बाकायदगी से जाते रहना। काश तुमने किसी से मोहब्बत की होती और तुम्हें एहसास होता कि जुदाई की घड़ियां कितनी कठिन होती हैं, लेकिन तुम इस चोट को क्या समझोगे? तुम तो इश्क मोहब्बत का मजाक उड़ाने वालों में से हो। ये आशिक लोग भी दीवाने होते हैं, अपने महबूब को किसी वक्त में तो नहीं भूलते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी वक्त तो आपको भुला, लेकिन आपकी याद की जैसे मेरे सांस में बची हुई है। मेरा तो अजब हाल मोहब्बत में हुआ है, मैं सांस भी लेता हूँ तो आती ही तेरी याद। यकीन कीजिए सारी सारी रात नींद ही नहीं आती, करवटें बदलता हूँ, तारे गिनता हूँ, चमकते से चांद में आपकी तस्वीर देखता हूँ। देखते कैसे बातें लिखी, बहुत प्यार करता है मुझसे। और क्या लिख रहा है बेटे? लिखा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का काम जल्दी खत्म हो जाए। मैंने फैसला कर लिया है अम्मी कि वापस आते ही आपको आपकी होने वाली बहू का नाम और पता बता दूंगा, ताकि आप इसे मेरी जीवन बने से फौरन कर दें। पढ़ने सुनने वालों को सलाम। बाप अम्मी मेरे खत ले जा।
तुम क्या करोगी बेटी? वो अम्मी को भी सुना है ना? अच्छा जल्दी बहुत अच्छा। बेटा आओ, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। तनवीर का खत आया है, उसका वहाँ जी नहीं लगा। मैं जानता हूँ उसका वहाँ जी क्यों नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? मेरा मतलब अगर आपकी तबीयत घबराती हो तो हमारे यहाँ चलिए। अरे बेटा मेरा जी क्यों घबराने लगा? सारा दिन मोहल्ले की लड़की मेला लगाए रहती है और रात को मुंशी जी की लड़की मेरे पास आकर सो जाती। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती। नहीं खाला जान, इस वक्त मुझे जल्दी है, कल आऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है मुंशी जी? इनायत है आपकी सरकार, अगर लागवान ना हो तो एक प्यारी चाय की गरीब थाली पर भी पी लीजिए। अच्छा चलिए। रवि बेटी, ये नासिर साहब हैं हमारे मालिक, इन्हें आदाब करो बेटी। आदाब। आदाब। जाओ बेटी जल्दी से चाय बना कर लाओ। आप तो हमारे नसीब जाग थे, हमारे यहाँ नासिर मियां तशरीफ लाए हैं। आदाब। जीते रहिए जीते रहिए। जाओ जरा जल्दी चाय तैयार कराओ, नासिर मियां बहुत मसरूफ आदमी हैं। मुंशी जी ये मकान अपना है या किराए का? बाप दादा की निशानी है हुजूर, इसी में कुछ गुजर गई है कुछ गुजर जाएगी। मैंने हिम्मत करके रेबी को बीए तो करा दिया है, बस अब इसके कहीं हाथ पीले हो जाए तो सारा बोझ सर से उतर जाए। कोई रिश्ता ढूंढा आपने? सरकार आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। हाँ ये तो ठीक है मुंशी जी। बेटे लो दूध पी। एक बात कहूं अम्मी? कहो बेटी। अम्मी क्या वाकई आपको मेरी शादी की जल्दी है? ये भी कोई पूछने की बात है बेटे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही तो है। तो फिर आपकी ये खुशी बहुत जल्द पूरी होगी अम्मी, आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन आपको बताने की हिम्मत नहीं पड़ती, कहीं आप पर... मैं तुम्हारी पसंद को कभी नहीं ठुकरा सकती बेटा। तरह तो कर सकती है ना, आप ये तो कह सकती है ना कि तुम एक अमीर माँ के बेटे हो, एक गरीब लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं गरीबी को नहीं शराफत को देखूंगी। बताओ कहाँ है वो लड़की? उसकी शराफत से तो आप... कहाँ है? जी अम्मी मैं तेरे इंतखाब की दाद देती हूँ। मैंने उस लड़की को तनवीर के घर कई बार देखा है, पढ़ी लिखी खूबसूरत तहजीब याफ्ता लड़की है, और ये रिश्ता भी जरा से इशारे से मिल जाएगा। मैं कल सुबह ही तनवीर की अम्मी से बात करूंगी और उसे साथ ले जाकर रिश्ता मांग लूंगी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आता कि ये ख्वाब है या हकीकत, कहां मैं और कहां। आज तो खुशी से पागल हो जाने को जी चाहता है, बस तो फिर बात पक्की हुई ना बहन। बहन जेजी को बुलाओ तो सही, मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ तो फेरूं। जरा नगरी के घर गई है, बस अभी आती ही होगी। लोग आ ही गई। आदाब। जीती रहो बेटी। कहाँ चली बेटी? यहाँ आओ, आज से तू हमारी हो गई, तेरी अम्मी से मांग लिया है तुझे। शर्मा गई है, चलो ऊपर चले। श्री सिंह आखिर बता ही दिया ना अपनी अम्मी को। शर्मा का खास आओ बहू। बेटी जरा अपनी सास को सर पर हाथ को फेर लेने दो। ले बहन कर ले अपनी बहू को प्यार। मेरे नासिर ने एक ही नजर में अनमोल मोती तलाश कर लिया। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी इतने बड़े घराने की बहू बनेगी। मामी का नाम तो कमाल कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी जल्दी मुंशी जी से यहाँ करा लेंगी। भला मुंशी जी कैसे इनकार कर सकते थे, और सच पूछो तो उनकी बेटी के तो नसीब जादू थे। जैदी
क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी अम्मी। पगली कहीं थी, जवान बेटियां सदा माँ बाप के घर थोड़े बैठती हैं, उन्हें एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। रेबी के अब्बा, सुना आपने, रेबी इस ख्याल से रो रही है शादी के बाद इसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है रेबी की माँ, मैं की याद तो कभी किससे नहीं जाती। बेटी तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तमीर की होने वाली दुल्हन के कपड़े दिखाओ, नए फैशन के हैं ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, तुम जरा अच्छी तरह से देख लो। कैसे हैं बेटी? रोके रही हो बेटी? खाला मैं शादी नहीं करूंगी खाला, मुझे ये घर के मोहल्ला नहीं छोड़ा जाएगा। बेटी तुझे ये घर और मोहल्ला कौन छुड़ा सकता है, तू जब चाहे यहाँ आ जाया करना, मैं खुद तुझे जाकर ले आया करूंगी, नासिर भी तो मेरा ही बेटा है। कितना प्यार है बेबी को इस घर से, तनवीर ने अगर कोई और लड़की पसंद न की होती तो मैं जेबी को ही अपनी बहू बना लेती। अपना हाल किसी को हाथ मिला नहीं सकते।
बेटा मैं शादी की तारीख मुकर्रर कर रही हूँ। अगले जुमे का दिन फरार पाया है, उस दिन चांद की भी चौधरी होगी। हाँ, मैंने मुंशी जी से कहा था कि कपड़े और जेवरात का खर्च हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो नहीं माने और इस बात को अपनी गैरत का सवाल बना बैठे। मैंने भी मुंशी जी से बात की थी, उन्होंने मुझे भी ऐसे ही जवाब दिया था। और हाँ अम्मी, जब मैंने टेलीफोन पर तनवीर को खुशखबरी सुनाई तो वो मजाक समझकर हंसने लगा। जेबी का नाम सुनके तो वो बहुत खुश हुआ होगा। मैंने जेबी का नाम बताया ही कब है अम्मी। मैंने उससे कहा जब तुम उसका नाम बता दोगे तो मैं भी बता दूंगा। अम्मी कितना मजा आएगा जब मेरी बारात दोस्त के मोहल्ले में से गुजर जाएगी और मेरी दुल्हन की डोली उसकी गली में से आएगी। मोहब्बत के आसियाने पर ऐसे बिजली गिरी कि सब कुछ जलकर राख हो गए। अगर तुम फौरन ही आकर कुछ कर लो और अपने दोस्त को दोस्ती का वास्ता दो तो शायद हमारी मोहब्बत जिंदा हो जाए, वरना ये शादी हमारी मोहब्बत की मौत बन जाएगी। छुना की भाई बस बालों को थाम। ऐसा खुला रहस्य चिठी बनानी अच्छी शहर। माँ को जगह शायद फोनना हो की तारीख भी मुकर्रर होगी। नासिर भी मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने सर जरा तशरीफ लाई। मैं तनवीर साहब, आप ऐसा करें कि दफ्तर का सारा काम मुझे दो दिन में चेक करवा लें, मुझे वापस जाना है। नासिर साहब की शादी हो रही है। ओह गुड, इतनी ना रखी। हाँ। सारा काम कल शाम तक खत्म हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, परसों सुबह की फ्लाइट से मेरी सीट कंफर्म कर। जी बहुत बेहतर। मेरी तरह देवी बीवी की घड़ी गिन गिन कर गुजार रही होगी। हाँ, इंशाल्लाह परसों दीदारे यार होगा और हम आगे। भी आ गए हो बेटा? जीते रहो बेटा। अम्मी कहाँ है? अम्मी जरा मुंशी के गई है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। मुंशी के यहाँ? अरे तू आ गया मेरे बच्चे।
तो कितना दुबला हो गया है। क्या कहा माँ? मैं दुबला हो गया? हाँ। कहाँ हो? लो मैसेज भी आ गया। हमारे बगैर इतना दिए ही चला है। ताकि में खूब दिल लगा। किस्मार खान हमारे जाति मार का मार रही है। शादी का प्रोग्राम भी बना लिया। भाई हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इधर हमें लड़की जरा हमारी होने वाली भाभी का नाम तो बताओ। जब तुम हमारी भाभी का नाम नहीं बताते तो मैं कैसे बता सकता हूँ। खुदा की कसम तनवीर, अगर तुम आज भी उसका नाम पता बता दो तो मैं अम्मी से कह के तुम्हारी और अपनी शादी एक ही दिन करा दूँ। नहीं भाई, ये बात गलत है बेटे। मैं तो तुम दोनों की खुशियाँ अलग अलग देखूंगी। तनवीर बेटे, नासिर ने अपने मुंशी नूर मोहम्मद की बेटी जेबी को पसंद किया है। क्यों बेटे, कैसी रही नासिर की पसंद? बहुत अच्छी पसंद है। अरे पसंद ही नहीं किया बल्कि उस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया है। यकीन जानो तनवीर, उसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी की कायनात यही हो। क्यों, दाद देते हो ना मेरी पसंद की? दाद? तुम्हें दाद नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा? तुमने तो वो काम किया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ तनवीर बेटे, नासिर मियां ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच पूछो तो आसमान ने जमीन को सर पर उठा लिया है। खाला जान, ये अमीरी गरीबी का एहसास दिल से निकाल दीजिए। आज तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तनवीर, आज तो तू भी उसका नाम बता दे जिसे तुमने हमारे लिए दुनिया का आठवां अजूबा बना रखा है। सच तो यह है नासिर कि मैं तुम्हारी खुशियों में अपना गम शामिल नहीं करना चाहता। क्या मतलब? मैं हवाई अड्डे से सीधा उस लड़की के घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि उस मक्कार और दगाबाज ने एक अमीरजादे से शादी कर ली। ये सुनकर मुझ पर क्या गुजरी इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी शादी की खुशी के लिए अपने गम को डाला है। तुम्हारी खुशी का ख्याल ना होता तो इस गम से मेरा दिल फट जाता। तनवीर बेटे, बताओ तो सही कौन है वो जालिम लड़की जिसने तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में जहर भर दिया है? तनवीर बेटे, उसका नाम तो बताओ। मैं उस बेवफा का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। उसने अपने वादे बुला दिए, मैं अपना वादा नहीं भुलाऊंगा। बेटे अल्लाह बचाए आजकल की लड़कियों से। तौबा तौबा, कैसे जमाना आ गया है। तुम भी उस बेवफा लड़की को भूल जाओ तनवीर। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। मैं अब शादी नहीं करूंगा। तू शादी क्यों नहीं करेगा? खाला जान, नबी इसके दिल का जख्म ताजा है। कुछ दिन तीस तो जरूर उठेगी लेकिन रफ्ता रफ्ता इसे इसका खोया हुआ सुकून मिल जाएगा। मेरा सुकून खोया नहीं, लूटा गया है दोस्त। और लूटा हुआ माल कभी वापस नहीं मिला करता। अब ये जख्म कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। तौबा तौबा, मुझसे तो बच्चे की हाय छिन गई। ना जाने वो कौन है कल मुंह आखत की चिड़िया जिसने बच्चे के दिल पर इतना बड़ा घाव लगा दिया। उस जालिम लड़के का नाम पूछा उन्होंने? नाम वाम नहीं बताता वो, कहता है कि उस बेवफा का नाम अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। वो तो अपने वादे भूल गई लेकिन मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। बेटा ऊपर जाके आराम कर ले, तूने तो ऊपर जाना ही छोड़ दिया है। पहले ऊपर जाकर सुकून मिलता था अपनी, अब ऊपर जाता हूं तो दिल घुटाने लगता है। उस बेवफा को भूल जा बेटे, मैं तेरे लिए एक नहीं लाख लड़की तलाश कर लूंगी। मैं जरा मुंशी जी के यहां से हुआ। अरे तो नेकबख्त, अब मैं खड़े खड़े सारा इंतजाम कहां से करूं? रुपए पैसे बगैर तो जेवरात बन नहीं जाते। आखिर ऊपर के अखराजात में तो कुछ कम नहीं है। नासिर मियां और उनकी अम्मी सारा इंतजाम अपने जिम्मे ले रहे थे, आपने खामखा इनकार कर दिया। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, उनसे जाकर कह दो का बंदोबस्त होगा। कान खोल कर सुन लो रेजी की माँ, इस घर को बेच सकता हूँ
मगर अपनी गलत का सौदा नहीं कर सकता। क्या झगड़ा हो रहा है मियां बीवी में? कहती है जेवरात के लिए नासिर मियां से रुपया ले लो। तुम ही बताओ बहन, एक गलत मन बात में कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर थोड़े बहुत रुपए कहें तो मैं दे दूंगी। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ए बहन, मैं नहीं जानती। मैंने तो इनसे कह दिया है कि जेवर ला, चाहे कहीं से ला। बड़े घर में बेटी को बिठाना तो मजाक नहीं। अगर ज्यादा जेवर ना हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरी खन क्या करो? आप बेटे कहीं बैठे बैठे तुम कैसे आए? बेटी, ये जेवर कैसे हैं? मुंशी जी, ये जेवरात मेरी अम्मी ने मेरी दुल्हन के लिए बनवाए थे। आप ही मेरी तरफ से देवी को पहना दीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो बेटे? खुदा ए जेवर तुम्हारी दुल्हन को नसीब करे। आपको अपनी बेटी के सुहाग का वास्ता, इनकार न कीजिए। अम्मी जी, आप तो मेरी जान की कसम, अगर आप मुंशी जी को ये जेवरात न दें। जब इसकी यही खुशी है तो ले लीजिए मुंशी जी। अच्छा बेटे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। लेकिन तनवीर बेटे, तुमने ये क्या सोचा? तेरी दुल्हन क्या पहनेगी? मैं कब शादी नहीं करूंगा। किसने मेरे बच्चों की खुशी बन सत्यानाश हो उसका। उदासना हो मेरी सबक पड़ी, बस इधर डोली में बैठी और उधर गुलफाम के घर पहुंची। कितना खूबसूरत हार है ये। देखा खाला, कितना प्यारा हार है। जब मेरी दुल्हन ये हार अपने गले में पहने तो यूं महसूस हो रहा जैसे उसके गले में चांद का हाला जगमगा रहा। अरे रुखे जेवर की एक झलक देखकर मेरी आंखें जगह चौंध हो गई। भैया वैसा भी क्या शर्माना, तुम महसूस होता है जैसे मुझे सारी कायनात मिल गई हो। मुझे क्या खबर थी कि मेरे दोस्त के घर के एक ऐसा चांद चमकता है जिसकी चमक मेरी तारीख सभी को रोशन कर देगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इस गली में से मेरी बारात, तुम डोली में बैठकर शर्माओगी, घूंघट में झूठ मूठ के आंसू बहाओगी और मैं चेहरे की लड़ियों में मुंह छुपाकर मुस्कुराऊंगा। किससे सीखी है ये बातें? तनवीर बेटी चलो ना, शर्मिला तीन बार बुलाने आ चुका है, नासिर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा मां? वलीमे का इंतजाम करना है बेटे। क्या तू अपने गम अपने दोस्त की खुशी को भी भूल जाएगा? नासिर तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त। मगर आज की सारी दौलत तनवीर पर कुर्बान कर देता। लो, ये वहां भी तनवीर के सामने बहुत शर्माया करती थी। तनवीर के सामने? मगर खाला जान, अब तो इनका रिश्ता देवर भाभी का रिश्ता है। हाँ। और ये रिश्ता बड़ा ही दिलचस्प होता है। देखो भाई,
मैं तो तुम दोनों से ये... अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मेरी बहन के पास जाती। सुनाओ प्यारे कहाँ गए थे? कहीं उस बेवफा लड़की की याद तो नहीं सताती? हाँ उस बेवफा की यादें उसकी तेरे बेवफा नहीं। बैठो दीदी बैठो ना, मैं तुम्हें इसके पागलपन की बातें सुनाता हूँ। जरा इससे पूछो तो सही कि ये एक बेवफा लड़की पर इतना इत्मीनान क्यों किया करता था? क्यों जख्मों पर नमक छिड़क दिया? कोई और बात कर, तुम मुझे एक बार उसका नाम तो बता दो। तुम उसका नाम पूछकर क्या करोगे? पूछो उसे गाली ना दो नासिर। क्यों गालियां क्यों ना दो? कहते हैं गालियां उल्टी होकर अपने आप को लगती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ वलीमे का क्या हुआ? सब इंतजाम मुकम्मल हो गया। वलीमे के बाद रात के खाने पर चंद खास दोस्तों को बुलाया है और फैसला ये हुआ है कि उस महफिल में तुम अपनी सुरीली आवाज में जादू नहीं, दर्द है और खुशी की महफिल में दर्द के गीत नहीं गाए जाते। नगमा खुशी का हो या गम का आखिर नगमा है, तुम गाओगे और जरूर गाओगे। चेहरे से पर्दा उतारा नहीं,
तेरे चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गा नहीं, सामने आके तुझको उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गारा नहीं। ये तो मेरे शर्मीले के हाथ हैं। खूब पहचाना मेरी जान, मैं कब कह रहा हूँ मेरे पाँव हैं? तू बड़े गलत मौके शर्मीले। क्यों? इस वक्त मेरा मंगेतर आने वाला है। बिजली, उसे मेरे सामने मंगेतर मत कहा करो। अगर वो आने वाला है तो मैं कब जाने वाला हूँ? अगर वो तुम्हारा मंगेतर है तो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। बिजली, कान खोल कर सुन लो, खैर उसे कह दो अपनी खैर चाहता है तो मेरे रास्ते से हट जाए, वरना। वरना क्या करोगे? वरना मैं हट जाऊंगा और आकर फिर आऊंगा उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, समझी? क्या समझी है? कौन होगा? आज मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगा। मंगेतर भाई क्या करो, बिजली मुझे हार जाता है। उस दिन तो मुझे तू सफेद बिंबन के चश्मा दे गया था और तुझे चश्मा दे गया था, बपात बन कर रहता हूँ। अब बता बेटा, वो सफेद दिन कहाँ है? तुम्हारा बाप था वो? नहीं, मेरा मतलब वो मेरा बड़ा भाई था, मैं तो काला जिन हूँ, बड़ा शर्मीला सा। कहाँ जा रहा है? कौन पागल का बच्चा जा रहा है? मैं तो यूं ही टहल रहा हूँ। वैसे छोड़ो जरा, किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं होती, छोड़ के बात करो, मैं बात करता हूँ। दरअसल बात ये है, खैर तू शर्मीला को मार डालेगा। अब तो जाएगा काम उसका बच के। चप्पल पड़ी दिखे यकीन जानो फत्तू भैया, खैरू के लिए सारी लोहार बिरादरी सरिश्ते आए, मगर मैंने कहा कि खैरू की शादी होगी तो मेरी भतीजी बिजली के साथ होगी, घर की बेटी घर ही में रहेगी। घर की बेटी घर में नहीं रहेगी अब्बा, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जिसके आज पीछे पीछे फिरते हो। अरे क्या बकता है बे लौंडे, क्या बुराई देखी है तुमने मेरी लौंडिया में? खैरू, शर्म नहीं आती? मैं इससे शादी नहीं करूंगा अब्बा। अबे मैं तो जूता भी नहीं मारता तेरी शक्ल पर, मेरी लौंडिया के लिए हजारों रिश्ते, फखरू का बेटा शर्मीला मेरे घर के सौ सौ चक्कर लगाता है, अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा उसी से करूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो शर्मीले को? चचा आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। बदमाश, अब बता शादी की तारीख? वो चचा बताएंगे। अच्छा भाई, अब्बा यही है वो कबीला जो बिजली से छुप छुप का मिलता है। तो बच्चे को हाथ लगाया, ये मेरा होने वाला दामाद और तेरा होने वाला भिनोई, तुझे फख्र करना चाहिए चौधरी खैरदीन, शर्म कर, मेरी इज्जत कर, मेरा एहतराम कर, मुझे कुर्सी दे, मुड़ा दे, अगर नहीं है तो एक गिलास ठंडे पानी का ला, खुद भी पी और मुझे भी पिला, अब मुझसे हाथ मिला। चलो अब हम यहां बिल्कुल नहीं जा सकते।
तनवीर बेटे, मैंने हजन बी को तेरे लिए अच्छी सी लड़की तलाश करने को कहा है। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। ज्यादा जबान में चला। अस्सलामुअलैकुम खाले जान। वालेकुम सलाम। आओ, सलाम खाले। जीती रहो, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। खाले जान, जेबी की अम्मी ने पीर जी के मजार पर मन्नत मानी हुई थी, मैंने सोचा तनवीर को भी साथ ले जाए। जरूर ले जाओ बेटा, इसे समझाओ उस लड़की को भूल कर कहीं और शादी कर ले। अम्मी, खुदा के लिए कोई और बात कीजिए, जब तक तुम शादी नहीं करोगे ये मौजू खत्म नहीं होगा। हलजन, मैंने इससे कहा कि मुझे उस लड़की का पता रहा, मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तुम मुझसे सजा नहीं दे सकते। क्यों, मेरी वो क्या लगती है जो मैं उसे सजा नहीं दे सकता? जब भी तुम ही इस पागल को कुछ समझाओ। जी, आप उसे भूल के नहीं जाते। मैं उसकी तरह बेवफा नहीं। आपके पास उसकी बेवफाई का क्या सबूत है? सबूत? दौलत औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप ही बताइए, एक तरफ आलिशान बंगला हो और एक तरफ पुसीदा मकान, एक तरफ दुनिया भर की राहतें हो और एक तरफ एक मुफलस का प्यार, आप दोनों में से किसका साथ दें? वाह भाई वाह, मजा आ गया। लो बेटा, अब तुम्हारी भाभी ही तुम्हें ठीक करेगी। मुझे माफ कर दीजिए तनवीर साहब, मुझसे गलती हो गई है। दरअसल मैं औरत होकर औरत की तहीन बर्दाश्त नहीं कर सके। अरे, इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? अच्छा भाई, चलो अब। चलो बहन, बहुत देर हो गई है। पीर जी के मजार पर कैसी मन्नत मानी थी खाला? मैंने मन्नत मानी थी, जब जेबी ससुराल से घर आएगी तो जेबी के हाथ से पीर जी के मजार पर चराग रोशन करवाऊंगी। जेबी को जरूर चराग रोशन करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसे खूबसूरत, दौलतमंद और प्यारा प्यारा शोहर दिया है। भाई, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मेरी नहीं, आपकी हुई है। अच्छा अच्छा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उस लड़की की याद तुम्हारे दिल से निकाल दे। क्या तुम उसकी यादों का सहारा भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? देखो, चुपचाप मेरे साथ चलो। चल हम।
कहती है दुनिया दीवाने देवी। कुछ नहीं, मैंने फिर खबर। बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ मेरी बहू? नासिर डॉक्टर को लाओ। अम्मी होगी, तुम खुद जाकर साथ ले आओ। तंदीर जरा वो, अच्छा तुम यहीं ठहरो। मैं ना जाने किसकी नजर लग गई है मेरी बहू को, दरबार से आते ही निढाल सी हो गई है। मैं ऐसे नीचे ला करवाती हूँ। ये अपने आप से पूछो, मैं जानती हूँ कि तुम उससे अपनी नाकामी का इंतकाम ले रहे हो। ये गलत है। तो फिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे से वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैं बस इतनी तक नहीं, मजबूरी की आग बड़ी अच्छी होती है। मुझे दहल ला दो या मेरा गला दबा दो तनी, मुझसे तुम्हारे ये ताने नहीं सह जाते। मैंने तुम्हें कोई ताना नहीं दिया, तुमसे कोई गिला नहीं किया। तुम्हारी बातें मुझे बदनाम कर देंगी तनी, मेरी जुबान पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आइए आइए डॉक्टर साहब।
मेरा ख्याल है ना कि ऐसा मंजर देखा जो उनके दिल पर गहरा असर कर गया। जी ऐसा तो कोई मंजर नहीं देखा। क्यों तनवीर जी, इस दवा के दो दो कतरे हर घंटे पर पानी में मिलाकर पिलाते रहिए, दिल संभल जाएगा। आसिर, मैं ये फाइल तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। यार तुम खुद ही देख लो ना और डाक भी साइन कर देना। अच्छा बेहतर। कितना काबिल एतमाद दोस्त है, दफ्तर का सारा काम संभाल रखा है और ढाके जाकर हालात पर काबू पा लेना तो बस इसी का काम था। साहब, तनवीर साहब ये रुका दे गए। मैं ज़हनी तौर पर इतना परेशान हूँ कि अपने आप को काम करने के काबिल नहीं समझता और फराइज की अदायगी में दोस्ती की रियायत से फायदा उठाने को जी नहीं चाहता, इसलिए मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हूँ। फकत तुम्हारा तनवीर। तनवीर, तनवीर बेटे आज तुम दफ्तर नहीं गए। मैंने इस्तीफा दे दिया है। हमें इस्तीफा दे दिया है क्यों? काम में मेरा जी नहीं लगता। मैंने खामोश रहकर काफी तमाशा देख लिया है। जब तक तेरी शादी नहीं होगी तू उस बेवफा लड़की को नहीं भूलेगा। आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब घर छोड़ने की धमकी देने लगा है, जा चला जाए यहाँ से, देखूंगी तो कहा जाता है। क्या हुआ खाला जान, आप रो क्यों रही हैं? बेटे, तनवीर मुझसे रूठ कर चला गया। समझ में नहीं आता तनवीर को क्या हो गया है। ये देखिए, बगैर किसी वजह के ये इस्तीफा लिखकर दिया है। इसी बात पर तो मैं उसे समझा रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन ये बताइए कि अब वो गया कहाँ है? ना जाने कहाँ गया है। रात भी मैं 2 बजे तक उसकी इंतजार करती रही। मुंशी जी ने आकर बताया था कि वो पुराने खंडर में बैठा है। मैं उसे वहीं से जाकर लाई थी। पुराने खंडरों में? मैं जानती हूँ कि तुम उससे अपनी नाकामी का इंतकाम लेना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अपनी नाकामी का इंतकाम लेना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अपनी नाकामी का इंतकाम लेना चाहते हो। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा तो जनाब ने यहाँ दफ्तर खोल लिया है। क्या नाम है इस नई फर्म का? कहीं ये तुम्हारा और उस लड़की का लव स्पॉट तो नहीं? जॉन आसिर, मुतनहा छोड़। मैं पूछता हूँ ये दौरे कब तक पड़ते रहेंगे और ये क्या हरकत की है तुमने? मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम नहीं हूँ कि इस्तीफा मीना दे सकूं। तन्वी! मैंने तुम्हें दोस्त के सिवा कभी कुछ नहीं समझा और तुमने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। मेरे जनाजे को गंदा देने तो आओगे ना? नासिर, तनवीर, खालाजान मैंने इससे कह दिया है कि अगर आइंदा इसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं अपने आप को गोली मार लूं। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे बेटे। नासिर बेटे तुम यहाँ हो
मैंने दफ्तर कई बार फोन किया था। बहू को नहीं लाई बहन? हाँ वो भी आई है, जरा अपनी माँ से मिलने गई है। नासिर बेटे, बहू ने बताया है कि परसों उसकी सालगिरह है। हाँ सालगिरह तो वो यहाँ भी मनाया करती थी बहन, पिछले साल तनवीर ने केक लाकर दिया था उसकी सालगिरह का। बहू से कहा है कि इस साल मैं तेरी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है अम्मी, तनवीर अपनी भाभी की सालगिरह पर गाना भी सुनाएगा। देवर जो हुआ करता है, उसे प्यार करता है। अगर तनवीर हरकतों से उसे जरा
शराब ही शुबा हो गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। बेगम साहिबा, आपको साहब ने बुलाया है। उनसे कहते मैं भी आती हूँ। जी बेहतर। सुनो जी, तनवीर साहब को मेरे पास भेज दो। बहुत बेहतर। क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा, बीबी जी कहती हैं कि मैं ठहर कर आती हूँ और तनवीर साहब को अंदर बुलाया है, शर्मिला बस यही पैगाम लाया है। जाओ भाई, मेरा ख्याल है तुम्हारी भाभी को तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, वो तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती है। तुम खुद ही चले जाओ। हाँ भैया, वारंट तुम्हारे आए और चले मैं जाओ। जाओ भैया, भैया जाओ ना। देखो भाभी देवर को कितने प्यार से बुला रही, और देवर है कि नखरे दिखा रहे। अच्छा भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर इन बातों का मतलब क्या है, तुम चाहते क्या? मौत। तुम मौत नहीं, मेरी रसवाई चाहते हो, मेरी जिंदगी में जहर घोल देना चाहते हो। आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम अपनी नाकाम मोहब्बत की चिंगारियों को इसलिए हवा दे रहे हो कि ये चिंगारियां शोला बनकर भड़क उठे और मेरी घरेलू जिंदगी इन शोलों की नजर हो जाए। बाखुदा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अगर तुमने ऐसा ना सोचा होता तो आज तुम्हारी यह हालत में ना होती। तुमने मुझे सबकी नजरों में दलील कर दी है। लोग मुझे बेवफा, दगाबाज, मक्कार और बर्फ के नाम से याद करते हैं। बाखुदा, मेरा इख्तियार मेरी नीयत में खोट होता तो तुम्हारा नाम बता देता। इससे तो अच्छा था कि तुम शादी से पहले ही नासिर को सब कुछ बता देते, थोड़ी देर के लिए बदनामी हो जाते, जिंदगी मुसलसल अजाब तो ना बनते। लेकिन अब तुम्हारे रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं एक नेक शोहर की बीवी हूँ और शोहर पति मेरा ईमान है। तुम्हारा शोहर मेरा भी दोस्त है, जिस पर एक देवी तो क्या तुम जैसी हजारों देवियां कुर्बान कर सकता हूं। कि तुमने मुझे कभी और खुद भी जुबान ना खोली। मैंने माँ बाप की इज्जत के सामने सर झुकाया, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके मशरक की तहजीब का सर बुलंद किया है। तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए कि कभी मुझसे तुम्हारे प्यार का रिश्ता कायम हुआ था। मैं जानता हूं तुम्हारे लहजे में तब्दीली क्यों आ गई है, और आनी भी चाहिए थी, इसलिए कि अब तुम एक गरीब बाप की बेटी नहीं, एक दौलतमंद शौहर की बीवी हो। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर को बुला। नहीं, मैं आ जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा। मेरा भी दोस्त है, और ऐसा दोस्त जिस पर एक जेबी तो क्या तुम जैसी हजारों जेबियां कुर्बान कर सकता हूं। चंद घंटों में ये हालत हो गई है, नींद भी उड़ गई है और सुकून भी लुट गया। कितना मजाक उड़ाया करते थे तनवीर का, अब बताओ वो जिंदगी की करवटें कांटों पर ले रहा है या नहीं। किसी की तकलीफ का एहसास उस वक्त होता है जब चोट अपने दिल पर लगती है।
वक्त ने तनवीर का इम्तिहान ले लिया है, अब तुम्हारा इम्तिहान होगा। देखना यह है कि तुम कहां तक इस इम्तिहान में पूरे उतरते हो। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुम्हें भी दोस्ती के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। तनवीर ने आज तक किसी पर यह जाहिर नहीं किया कि जेबी ही उसकी महबूबा है। अब तुम्हारी शान इसी में है कि तुम भी अपने दिल का दर्द किसी पर न जाहिर होने दो और दोस्त के नाम पर सब कुछ लुटा दो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं दोस्ती के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है सरदार, आज आप इतनी परेशान क्यों? मेरा सर फटा जा रहा है दीदी। मैंने पहले कहा था कि डॉक्टर को बुला दे, कहीं कभी फोन किए देती हूँ। नहीं, मैंने अभी गोली खाई है, आराम आ जाए। नहीं, मैं आपका सर दबा दूँ। रहने दो दीदी, रहने दो, जाओ जाकर सो जाओ। कहीं नासिर ने मेरी और तनवीर की बातें तो नहीं सुन ली? नासिर को मैंने पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। मुझे नासिर और जेबी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर चले जाना चाहिए। दिमाग पे कुछ बोझ समय होता है, इन्हें दवा से ज्यादा आराम की जरूरत है। नासिर बेटे, मुझे तन्हा छोड़ दो अम्मी, मुझे तन्हा छोड़ दो। तुझे हरासत से दूर रखे, आओ बहू तुम भी चलो। तनवीर की तरफ भेजा है किसी को? वो अभी आता ही होगा, शर्मिले को वहीं भेजा है। वकील साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। जब बेटा नासिर से मिला, उसकी तबीयत बहुत है, शर्मिला कई बार बुलाने आ चुका है। मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं भी साथ चलती। अच्छा मैं जाता हूं। मेरा ख्याल था कि तुम नहीं हो। ना तो बीमार ना होता तो मैं कभी ना आता। उसे बीमार करने वाली भी तुम हो। जी हाँ, हर बुराई का जिम्मेदार मैं, इससे बड़ा कोई इल्जाम हो तो वो भी मुझ पर लगा। मैं किसी पर क्या इल्जाम? मैं तो भी को पछता रही, मुझे क्या खबर थी कि तुम मेरी जिंदगी का असर बात कर दोगे। अगर मुझे तो खुदा की कसम में ये राज अपने सीने में कर, मैं नासिर को साफ साफ बता देता कि जेबी बोला। मेरे घर से रुक जाओ तनवीर, तुम्हें इस घर से धक्के देकर कोई नहीं निकाल सकता। तनवीर यहाँ नहीं आएगा। यह घर नहीं तनवीर का है, तुमने अपनी प्रयासी की तनवीर से माफी मांगी। खुद के लिए तनवीर को यहाँ न बुलाइए। मैं जान के तनवीर से इसलिए नफरत हो गई है, बर्दाश्त कर दिया है। सरदार, तूने तनवीर को धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, सिर्फ अपने आप को धोखा दिया है। तूने तनवीर की जुबान पर खामोशी के ताने लगा दिए और अगर किस लिए बंद रखी कि तुझे एक दौलत भी बनने का मौका मिल रहा था। तूने तनवीर को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि वो गरीब था और मेरा दामन इसलिए पकड़ा कि मैं अमीर था। तूने ये सब कुछ जानते हुए कि तनवीर मेरा दोस्त है, मुझ पर इस लड़ाई न होने दिया और मुझे मेरे दोस्त का मुकिम बना दिया। कसम जेबी, अगर मुझे शादी के बाद भी मालूम हो जाता तो मैं तुम्हारा घूंघट उठाने से पहले देता। तुमने जिस रात दुनिया से छुपाने की कोशिश की है, आज मैं उस रात को सारी दुनिया पर जाहिर कर दूंगा। तेरा हाथ के सामने तनवीर के हाथ में दूंगा। तुमने जिस रात को दुनिया से छुपाने की कोशिश की है, मैं उस रात को सारी दुनिया पर जाहिर कर दूंगा। तेरा हाथ सबके सामने तनवीर के हाथ में दूंगा। Thank you.
खालाजान तनवीर आया? हाँ बेटे, ऊपर गया है। तनवीर आओ मेरे साथ। नहीं नासर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखो जिद न करो तनवीर, तुम्हें मेरे चलना होगा। खुदा की कसम नासिर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा तुम अंदर ना जाना, बाहर गाड़ी में बैठे रहना। देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चुप आओ। जाने क्या हो गया है इन दोनों को, मेरी समझ में नहीं आता। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। तुमने जिस रात को दुनिया से छुपाने की कोशिश की थी, आज मैं उस रात को सारी दुनिया पर्दा कर दूंगा। तेरा हाथ सबके सामने तंबीर के हाथ में दूंगा। उठो देवी, मैं तनवीर को ले आया। उसने कसम खाई है कि वो अंदर नहीं आएगा। तुमने उसके साथ जो ज्यादती की थी उसकी उससे माफी मांगो, फिर मैं तुम दोनों को अपना वो फैसला सुनाऊंगा जिसकी तवक्को तुम दोनों मुझसे नहीं रखते। उठो देवी। सीधी सीधी, अब तनवीर को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आमू लेकर आऊं तनवीर, पहले मैं सिर्फ तुम्हारा मुजरिम था, पर मुझे तकदीर ने सेबी का कातिल भी बना दिया है। मैं गंदा हूं तनवीर, मैंने जो सोचा था वो नहीं हो सका। सेबी ने मेरा जरा भी तो इंतजार नहीं किया। अब तुम भी उसकी सूरत देख लो। मुंह मोड़ लिया है तनवीर, तुम दोनों ने मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दी कि मैं तुम्हारा पर्स उतार सकूं।